वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर आप कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया में शुरू करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, कैसे आप शुरू कर सकते हैं। जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट होते हैं वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड रूल के अंतर्गत आते हैं, उसके अंदर कवर होते हैं। आप दो तरह से कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट बना सकते हैं, एक तो आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के अंतर्गत बना सकते हैं, दूसरा आप कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत बना सकते हैं। आयुर्वेदिक का भी आज के टाइम में काफ़ी ट्रेंड है। अगर हम आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के बारे में बात करें तो हम पिछले वीडियो में इसको डिटेल में कवर कर चुके हैं अपने पुराने वीडियोस में, अब वहाँ से नॉलेज गेन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो वो लेंथी हो जाएगा वीडियो काफ़ी। इसमें बेसिकली इस वीडियो में हम कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की बात करते हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। कॉस्मेटिक्स लाइसेंस जो मैन्युफैक्चरिंग का आपको मिलेगा वो स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑफिस से मिलेगा, जैसे फार्मास्यूटिकल लाइसेंस मिलता है। लेकिन जो टेक्निकल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, जो स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, वो कॉस्मेटिक्स लाइसेंस के लिए थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू फार्मा, इसलिए थोड़ा इजी मिल जाता है, लेकिन फिर भी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी रहती है। इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करते हैं कौन कौन सी चाहिएगी, सबसे पहले तो जो रिक्वायरमेंट होती है वो स्पेस और परमिसेज की होती है। परमिसेज हम हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बात करते हैं, उसके बिना आपको कोई भी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फार्मा में, आयुर्वेदिक में या कॉस्मेटिक्स में नहीं मिलने वाला है। टेक्निकल पर्सन भी सभी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए ज़रूरी होता है, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, GMP के लिए, सारी चीज़ों के लिए। लाइसेंसी जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे वो भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम परमिसेज और एरिया कितना चाहिएगा आपको कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर आप लगाना चाहते हैं। वो सेक्शन वाइज डिफर करता है, सेक्शन वाइज डिपेंड करता है। अगर आप पाउडर बनाना चाहते हैं, लिक्योर बनाना चाहते हैं, डिओड्रेंट बनाना चाहते हैं, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। आप एक सिंगल कॉस्मेटिक्स प्रिपेरेशन बनाना चाहते हैं या सारी एक ही आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स प्लांट में बनाना चाहते हैं, तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर पाउडर सेक्शन की बात करते हैं तो 15 square meter आपको रिक्वायर्ड रहता है, मिनिमम 15 square meter आपको चाहिएगा। अगर क्रीम, लोशन, इमल्सन, पेस्ट, क्लीनिंग मिल्क, शैम्पू वगैरह बनाना चाहते हैं तो 25 square meter का एरिया आपको रिक्वायर्ड रहेगा। अगर आप नेल पॉलिश और नेल लिक्विड्स बनाना चाहते हैं तो 15 square meters का एरिया आपको चाहिएगा। ये इंडस्ट्रियल एरिया में ही होना चाहिए क्योंकि सेंसिटिव प्लांट होता है। लिप और लिपस्टिक्स और लिप ग्लॉस के लिए 15 square meter का एरिया मिनिमम आपको रिक्वायर्ड रहेगा। आई प्रिपरेशन एक सेंसिटिव होता है, स्ट्राइल प्लांट होगा, टोटली 10 square meter का एरिया आपको रिक्वायर्ड रहेगा आई प्रिपरेशन बनाने के लिए। एरोसोल में डिओड्रेंट और सेंट्स वगैरह बनाने के लिए 15 square meters का एरिया आपको ज़रूरी रहेगा। एयरडाइस के लिए 15 square meter आपको रिक्वायर्ड रहेगा। एयरडाइस और एयर प्रिपरेशन अगर आप बनाना चाहते हैं, टूथ पेस्ट की बात करते हैं, टूथ पाउडर की बात करते हैं, तो 15 square meters आपको ज़रूरत पड़ेगा। पेस्ट और पाउडर के लिए अलग अलग सेक्शन चाहिएगा। टेक्निकल पर्सन की बात करते हैं तो फार्मा प्रोफेशनल्स इसमें चल जाते हैं, डी फार्मा भी चल जाएगा, फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है, बी फार्मा दोनों में चल जाएगा, मैनुफैक्चरिंग में भी और एनालिटिकल में भी। अगर आपके पास एक डी फार्मा है तो आप टेक्निकल एनालिटिकल के लिए टेक्निकल पर्सन के तौर पे साइंस ग्रेजुएट पर्सन को भी अपॉइंट करा सकते हैं। लाइसेंस कौन कौन से चाहिएंगे, कंपनी रजिस्ट्रेशन सबसे पहले अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो आप फार्म रजिस्ट्रेशन पे भी काम शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा जो सेकेंड चीज़ आपको रहेगी वो रहेगा कॉस्मेटिक्स मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस, आपको लेना पड़ेगा कॉस्मेटिक्स प्रिपरेशन बनाने के लिए। फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 20 से ज़्यादा है तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन आपको नंबर लेना पड़ेगा। अगर आपके 20 lakh से ऊपर टर्नओवर है, कम पे भी लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप लेके ही चलिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लाइसेंसिंग प्रोसीजर क्या रहेगा कॉस्मेटिक्स मैनुफैक्चरिंग प्लांट के लिए, उसमें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑफिस से आपको कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट का लाइसेंस मिलता है, जो जनरली हर स्टेट्स के कैपिटल रीजन में ही आपको मिलेगा, कहीं बाहर पे भी हो सकता है। आप एक बार अपने स्टेट में पता कर लीजिए, वहाँ पे विजिट करिए। आप हम ये रिकमेंड करेंगे कि आप विजिट करिए, सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए, आपको क्या क्या बेसिक नॉलेज चाहिएगी कॉस्मेटिक्स लाइसेंस के लिए। उसके बाद आप अपना सारा रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंट पूरा करिए, उनको सबमिट कर दीजिए ड्रग कंट्रोल ऑफिस पे अपने लाइसेंस के लिए। आप मैनुअल भी कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी हो सकता है, वो स्टेट की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। उसके बाद जब आप सबमिट कर देते हैं, अप्रूव हो जाता है, तो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर आपकी परमिसेज को इंस्पेक्ट करते हैं। अगर सब कुछ अकॉर्डिंगली मिलता है, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलता है, आपने जो फाइल में सबमिट किया वो सब कुछ सही मिलता है, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दे दिया जाता है, आप काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हर फॉर्मूले की और हर प्रिपरेशन की जो आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं कॉस्मेटिक्स के अंदर, उसकी अप्रूवल लेना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे ड्रग कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए, उसके लिए हम बात कर लेते हैं।
सबसे पहले तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जो भी होगा वो आपको फिलअप करना पड़ेगा, फीस लान जो भी फी होगी आपको ऑनलाइन जमा कराते हैं या मैनुअली कराते हैं उसकी कॉपी, ब्लूप्रिंट्स और लेआउट प्रीमिसेज का साथ में लगेगा, ओनरशिप प्रूफ या रेंट एग्रीमेंट प्रीमिसेज का साथ में लगेगा, बिजनेस क्या है, प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, उसके डॉक्यूमेंट्स साथ में लगेंगे, टेक्निकल पर्सन की क्वालिफिकेशन साथ में लगेगी, उसकी डिटेल साथ में लगेगी, एफिडेविट ओनर का भी लगेगा और टेक्निकल पर्सन का भी साथ में लगेगा, लिस्ट आप जो जो मैनुफैक्चरिंग जो जो कॉस्मेटिक्स बनाना चाहते हैं उनकी विद फॉर्मूला सारी प्रिपरेशन साथ में लगेगी अप्रूवल के लिए, मशीनरी और लेबोरेटरी इक्विपमेंट जो जो आपके पास है उसकी डिटेल साथ में लगेगी, साइट मास्टर फाइल साथ में लगेगी, NOC अगर आपको कहीं चाहिए तो वो साथ में लगेगी। उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप किसी भी क्वेरी या सजेशन के लिए हमें मेल कर सकते हैं pharmafranchisehelp@gmail.com पे, या आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं pharmafranchisehelp.com पे। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक्स।